आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। एडवांस सेक्शन में हम बात करेंगे पिवट टेबल की, कि पिवट टेबल का क्या रोल है, हम इसी पे डिस्कस करेंगे आज। तो पिवट टेबल के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम पिवट टेबल में हम डेटा को समराइज करते हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे की चीजों के। चलिए तो पिवट टेबल लगाते हैं। पिवट टेबल, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने रीजन वाइज ही हमने क्वांटिटी का टोटल ले, ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि दिक्कत है कि यहां पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो अलग अलग। मैं चाहता हूं कि दोनों एक जगह पे हो, पर डेटा में मैं चेंज नहीं करना चाहता, डेटा में रीजन को चेंज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मैं पिवट में ही दोनों इकट्ठा हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, इनको आपस में सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक एंड ग्रुप कर देना। जैसे आप राइट क्लिक एंड ग्रुप करेंगे तो यहां देखेंगे कि रीजन टू एंड रीजन आ चुका है, रीजन टू एंड रीजन, ओके। तो यहां पे देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बनके यहां पे इकट्ठा आ गया, और यहां पे ग्रुप वन और इसके सामने इन दोनों का टोटल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले से लिखा हुआ जो रीजन था उसको यहां से रिमूव कर देंगे। अब यहां पे ग्रुप वन आया, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, समझ आया आपको? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ये था ग्रुप। ग्रुप में आप जो है एक से ज्यादा फील्ड को ग्रुप करके एक बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कस्टमर को ही रख दिया और क्वांटिटी रख दिया, इसमें हम चाहते हैं कि कुछ कस्टमर एक जैसा हो जाए, तो राइट क्लिक किया एंड हम इसको ग्रुप कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रुप करते हैं दो फील्ड होता है, पहले वाले फील्ड को हटा दीजिए और इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। Okay? अब हम बात करें तो टेक्स्ट ग्रुप था, अगर हम नंबर ग्रुप की बात करें तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, मैं ऑर्डर्स को देख पा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को रखा हुआ है और हमने यहाँ पे इसकी काउंट सम को नहीं, इसकी काउंट करेंगे। तो मैंने इसे राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक नॉर्मल क्लिक किया और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे चले गए और सम के जगह पे मैंने काउंट ले लिया था, काउंट आया। मतलब कि इसमें दिखा रहा है कि 10 पीस की 4 बार ऑर्डर हुआ है, 11 पीस का 12 बार 4 बार हुआ है, 12 पीस का 8 बार, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी की ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि कितने कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो इस तरह से मुझे 10 11 12 नहीं देखना, मुझे एक स्लैब देखना है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे स्लैब देखना। तो हमने नंबर्स को उठा के यहाँ पे रखा और नंबर्स के ऊपर, अब इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक किया और चला गया ग्रुप। तो ग्रुप में यहां आपके मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाता है, यू कैन चेंज इट। उसे मैंने 0 से 1000 तक ले और ये आता है ग्रुप बाय, क्योंकि 10, 100, 1000 इस तरह से कुछ होता है, तो मुझे 10 का ग्रुप चाहिए तो 10th ले लिया, देन ओके किया। तो अब आप देखिए 10 से 19, 20 से 29,
30 से 39, 40 से 49, इस तरह से स्लैब में हो गया। ठीक है सर। जी को दिक्कत इसमें? नहीं नहीं समझ गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं डेट्स की तरफ कि अगर हमने पिवट लगाया और पिवट के अंदर अगर हम डेट्स एंट्री करते हैं। तो डेट हमने यहां पे रखा है, यहां पे डेट, डेट को जैसे आप रखते हैं इस तरह से ऑलरेडी ग्रुप होता है, लेकिन जो ग्रुप आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह से ग्रुप नहीं होता। तो हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसको अनग्रुप कर देते हैं। यहां से राइट क्लिक किया और हमने इसको अनग्रुप कर दिया। ओके, अनग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके सामने वैल्यू डाल देते हैं, क्वांटिटी इज सम कर देता हूं इसको। अब मुझे इसमें मंथली सम करना है, मंथली ग्रुप करना है कि जैन का कितना हुआ, फैब का कितना हुआ, तो राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप पे चले जाइए। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मंथली चाहिए, तो हमने मंथ को क्लिक किया एंड ओके कर दिया, आ गया मंथली। और इसमें अगर हमने वापस ग्रुप किया, मुझे मंथ और क्वार्टर और ईयर तीनों चाहिए, तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर। अब मैं यहां ईयर को ऊपर रख देता हूं, क्वार्टर को इसके नीचे रख देता हूं, तो इस तरह से आपका सम आ गया 2020 और 2021 का टोटल। ठीक है सर। ईयर को आप यहां फिल्टर में भी लगा सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट आ जाएगा, यहां से ईयर फिल्टर कर सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे ग्रुप जो है ईयर वाइज नहीं करना है, मुझे हर 15 डेज का ग्रुप करना है। तो 15 डेज के लिए आपको सिर्फ डेज को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ नंबर ऑफ डेज में 15 डालिए, ध्यान रखिएगा तभी एक्टिवेट होगा जब आप सिर्फ डेज को सिलेक्ट, डेज और मंथ सिलेक्ट करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। हमने डेज को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके किया। ओके करते ही आप देखिए आपके सामने हमारे पास बिटवीन 15 डेज का गैप का पूरा डेटा दिख गया। डेट की ग्रुपिंग आ गई। तो ग्रुपिंग में आपने सिखा कि किस तरीके से इसकी टैक्स की ग्रुपिंग कर सके, किस तरीके से हम डेट की ग्रुपिंग कर सके, किस तरीके से नंबर की ग्रुपिंग कर सके। ओके यस। अब ग्रुपिंग के बाद हम बात करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट जैसे कि मान लीजिए आपका ये डेटा है, मुझे इसी को शॉर्ट करना है डेटा के अकॉर्डिंग, तो राइट क्लिक किया और शॉर्ट, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम इजीली कर सकते हैं शॉर्ट। अगर मैं अलग अलग पिवट में बात करूं जिसमें हम शॉर्ट डालते, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ क्वांटिटी डाल दिया और यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे इंडस्ट्री डाल देता, तो आप इस पे क्लिक करके शॉर्ट करते हैं तो वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, इस पे क्लिक करके शॉर्ट करते हैं तो आपके अल्फाबेटिक शॉर्ट होंगे, तो जिस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। लेकिन अगर दो फील्ड हुए जैसे कि मैंने इंडस्ट्री और रीजन दिया हुआ, तो अब मैं इस पे क्लिक किया जो कि हमारा क्या है इंडस्ट्री है, तो ये आपका जितने भी इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, ये आपका जो रीजन है जैसा जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में रहेगा। लेकिन अगर मैं रीजन पर राइट क्लिक करके शॉर्ट किया तो हर इंडस्ट्री का रीजन शॉर्ट होगा, इंडस्ट्री जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके क्लियर है सर। इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। इसको
देखिए सिंपल सी बात यह है, जैसे कि आपके सामने अभी जो दिख रहा है वो है यहाँ पे इंडस्ट्री, इसके नीचे क्या है आपका एरिया रीजन। तो अगर आपने रीजन पे राइट क्लिक करके अगर आपने शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया तो क्या होगा कि ये तो पहले से था, मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर दिया, तो इसमें देखिए कि ए आपका कंज्यूमर गुड फाइनेंस हेल्थ केयर जैसा जहां था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं, इसके अंदर जो है वो चेंज हो गया, यूरोप ऊपर आ गया, नॉर्थ अमेरिका ऊपर आ गया, यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ एशिया एक ही था, यहाँ साउथ अमेरिका। तो हर अलग अलग तरीके से इसको शॉर्ट किया, फिर इसने शॉर्ट किया, फिर इसको शॉर्ट किया, इस तरह से अलग अलग शॉर्ट। ओके अगर आपने शॉर्ट मान लीजिए इस पे कर लिया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब देखिए इसमें जो है आपका रीजन चेंज हुआ, लेकिन आपका जो सीक्वेंस था किसका रीजन का वो सेम है। यहाँ पे एशिया देखिए 19 पे था, 19 हाईएस्ट 19 है, फिर लोएस्ट है, फिर लोएस्ट है, ये अपने आप को चेंज नहीं किया, समझ गए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री लोएस्ट टू हाईएस्ट है और आपका रीजन हाईएस्ट टू लोएस्ट है, समझ गए। ठीक है, डाउट तो नहीं है? नहीं सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग की बात करते हैं, अगर हमने कॉलम में रख दिया तो हम शॉर्ट कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके मतलब कि आप टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं शॉर्ट। अब सॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं मूव का, मूव, क्योंकि सॉर्टिंग में तो भाई वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई फाइनेंस मेरा सबसे टॉप पे है, तो फाइनेंस वाले पे मैं कर्सर रखूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यही पे करूंगा मूव। मूव में यहां देखिए फाइनेंस टू बिगनिंग दिख रहा है आपको, टू बिगनिंग हमने क्लिक किया और सबसे ऊपर आ गया। ओके या फिर मैं हेल्थ केयर को कहीं रखना चाहता हूं, जस्ट राइट क्लिक कीजिए और मूव, यहाँ मूव इस पे होता है, इस पे क्लिक करना, राइट क्लिक एंड मूव। यहाँ पे बिगिन अप डाउन एंड दिख रहा है, इस तरह से मूव कर सकते हो और ऐसे टॉप टू डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको बॉटम टू से लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर जैसे कि मान लीजिए मैंने कस्टमर को रख लिया और क्वांटिटी के काउंट के जगह पे मैं इसको सम कर देता हूं। अब मान लीजिए कि मुझे जब यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मान लीजिए कुछ एक कस्टमर को मुझे यहाँ से क्लिक करके शो करवाना है, कुछ कस्टमर को, तो जिस कस्टमर को करवाना है उस कस्टमर को हम क्लिक करके ओके कर देंगे, मैं उतना ही कस्टमर दिखेगा। तो कस्टमर में यहाँ पे देखिए दो फिल्टर है, एक तो यहां से आप चूज कर सकते हैं, दूसरा आपके सामने आता है लेवल फिल्टर जिसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं कि इक्वल, अब बहुत बड़ी लिस्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इक्वल में जाइए और उस कस्टमर नेम डाल दीजिए, डज नॉट इक्वल उस कस्टमर नेम के अलावा बिगेन भी, अब कस्टमर नाम आपको पूरा नहीं पता है बस स्टार्ट इनिशियल नेम पता है, बिगेन विथ डज नॉट बिगेन विथ एंड विथ मुझे पता है कि लास्ट में 10 होना चाहिए तो 10 हमने सेलेक्ट कर दिया, तो जिसके लास्ट में 10 है वो आ गया,
इसको बोलते हैं एनबी कंटेन. हमने बोला जो जो जीरो कंटेन कर रखा है, जिस जिस में जीरो है वो सारा आ गया. डज नॉट कंटेन ग्रेटर देन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बिटवीन नॉट बिटवीन दिख रहा थोड़ा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते. तो ये जो फिल्टर हुआ लेबल फिल्टर जो हुआ वो आपके जो लेबल है उस पर अप्लाई, बट मुझे वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है तो यहाँ आपके सामने वैल्यू फिल्टर होगा. इसमें यहाँ वैल्यू फिल्टर, इसमें इक्वल इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बिटवीन नॉट बिटवीन और टॉप टेन. जैसे मैंने बोला कि टॉप टेन मुझे हाईलाइट कर दे, टॉप टेन कर दे या टॉप फाइव कर दे, आप नंबर चेंज कर सकते. And okay. आ गया? तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं. कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं. मेरा? ओके तो ये फिल्टर की बात हो गई. और फिल्टर जैसे हम वर्टिकल लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमने रीजन को यहाँ रख दिया, प्रोडक्ट यहाँ, तो मुझे कुछ पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे कॉलम फिल्टर जो होता है वो यहाँ होता है, इस पे होता है. इस पे आप पर्टिकुलर फिल्टर जो चाहिए वो रख दीजिए, और यहाँ पे भी कंडीशन है और इसके भी कंडीशन, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ठीक है, इसको ट्राई करके देखिएगा. वैल्यू फिल्टर के बाद दूसरा आता है पेज फिल्टर. मतलब कि कॉलम फिल्टर तो आप इसको करते हैं या इसको करते हैं, लेकिन मुझे पूरे डेटा को फिल्टर करना है तो पेज फिल्टर यहां पे आता है. जैसे क्वार्टर हमने रख दिया, अब मुझे क्वार्टर वन का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ क्वार्टर वन को सेलेक्ट करके जैसी ओके करूंगा, ये देखिए पूरे में सिर्फ क्वार्टर वन का आ रहा है, ये पूरा क्वार्टर वन का डेटा है. अगर मैं क्वार्टर टू करूंगा तो क्वार्टर टू का आएगा, क्वार्टर थ्री करूंगा तो क्वार्टर थ्री का आएगा. और इसमें भी एक नहीं, हम एक से ज्यादा से ईयर हमने मान लीजिए क्वार्टर के ऊपर रख दिया. तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे से मैंने ऑल पे सिलेक्ट कर लिया और मैं बोलता हूँ कि मुझे 2003 का डेटा देखना है और 2003 में क्वार्टर टू का देखना है. 2003 में क्वार्टर टू का, राइट. लेकिन मान लीजिए कि हमें मल्टीपल देखना है, मतलब कि 2003 से 6 तक देखना है या 5 तक देखना है, तो यहां दिख रहा होगा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहां पे आपके चेकबॉक्स आ जाए. अब जिस जिसको आप क्लिक करेंगे आपका फिल्टर में वही रहेगा, बाकी बाहर होगा और इसमें होता है. ठीक है, हेलो, आगे मल्टीपल आइटम. दूसरा आप राइट क्लिक करके आप ऑप्शन पर आते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन के भी देख लेते हैं. इसमें जैसे कि ये था कि ब्लैंक सेल जो आपका दिख रहा है ना, जहां जहां ब्लैंक है, मैं चाहता हूं ब्लैंक के जगह पे जीरो हो या कोई नंबर हो या कुछ ऐसा लिखा हो, तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आ गया सर? ठीक है, वो यूज कर सकते हैं. आगे चलिए एरर के बारे में बताऊंगा मैं आपको. टोटल फिल्टर्स में मान लीजिए कि मैंने इसको अनचेक कर दिया, सो ग्रांड टोटल एंड कॉलम टोटल, तो जी आपके जो टोटल वाले जो फील्ड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों फील्ड आपके हट जाएंगे, राइट. उसके बाद यहाँ देखिए ये आप जैसे मान लीजिए कि आपने दो फील्ड को रखा हुआ है, इस इंडस्ट्री को भी आपने मान लीजिए रख दिया, तो जो ये आपका प्लस एक्सपेंड का ऑप्शन आता है मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहां से दिख रहा होगा बटन्स, इसको अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा. फिर आपका कॉलम लेबल यहां दिख रहा है, इसको अनचेक कीजिए, आपका कॉलम लेबल हट जाएगा. हट गया फील्ड लेबल. उसके अलावा जो फील्ड लिस्ट, जब भी पिवट पे क्लिक करते ये आ जाता है, चाहते हैं ना आए तो आप इसको यहां से भी क्लोज कर सकते हैं, या फिल यहां से भी क्लोज करके हटा दीजिए, हट जाएगा.
वापस लाना हो तो यहाँ फिल लिस्ट पे क्लिक कीजिए, वापस आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके सो फिल लिस्ट कीजिए, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आपकी जो जो भी क्वेश्चन है उसको एक साथ नहीं, लेकिन हाँ हर दिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने आपको बोला था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का, मैं एक काम करता हूँ 6:15 कर देता हूँ। मुझे मान लीजिए हाईलाइट करना है नेक्स्ट 15 डेज। ये हमने इसलिए बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास डेट ऑकरिंग में इन द लास्ट 7 डेज तो है, लेकिन मुझे इसका अपोजिट करना है नेक्स्ट 7 डेज। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए टुडे का। टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। ठीक है, तो हमें बस यहां पे जाना था न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहां पे देना था कि इसमें देना है हमें कि आज के डेट से 7 दिन छोटे, इसमें दो कंडीशन है कि आज के डेट से बड़ा और बराबर, और आज के डेट से 7 दिन बाद की डेट से कम। तो यहां पे जैसे हमने बताया था आपको कि हम यहां पे एंड का फॉर्म मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड रखते हैं, एंड के अंदर हम इसको यहां देखते टुडे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला। ठीक है, कॉमा हमने बोला कि ए जो है लेस देन इक्वल टू टुडे प्लस 6। यहां 7 नहीं करेंगे क्योंकि अगर एक में 6 जोड़ोगे तो 7 आएगा, अगर एक में 7 जोड़ते तो 8 आ जाता है, हम 6 ही जोड़ेंगे। ठीक है सर, और फिर डॉलर साइन हटा देते, कंडीशन लगा देते। और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ प्रिंट कर, क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं नहीं आपको सर, ये तो फॉर्मूले तो मैंने डिस्कस किया, तो फॉर्मूले में जो हमने एक दो फॉर्मूला बता दिया था कि इस तरह से फॉर्मूला लगता है, हम फॉर्मूले पे डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन क्या है कि एक्सेल में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो सबको पता होता है जनरली, जैसे कि टुडे हो गया, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, डेट हो गया, तो ये सब फॉर्मूले किसी को, इसलिए हमने कोर्स में डाला हुआ है इस क्वेश्चन में कि तुम तो जनरली पता ही होगा टुडे का फॉर्मूला इस समरी के लिए। ओके ठीक है, क्लियर है? चलिए तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, दूसरी क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं कल।